श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 17 भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। जब अदिति की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर हो उठी कि वह तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान लौट गई। भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी। अतएव वे आह्लादित हो उठी और उनके शरीर में कंपकंपी छूट गई। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थर थराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही हो। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हों और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप इस विश्व के परम स्वतंत्र सत्रष्टा पालक तथा संहारक हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूं। हे आनंद, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य या निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत
न गण्य उपलब्धि है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूं जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर गया है। हे राजन, जिस तरह वायु काट के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि
भगवान अदिति के गर्भ में है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सत्रष्टा को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि, मध्य तथा अंत हैं, और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।